महाशिवरात्रि पूजा विधि क्या होती है और उसका फल क्या मिलते हैं। त्रयंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मृक्षीयमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महाशिवरात्रि इस सारे भारत में मनाने वाले एक त्योहार है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यह त्योहार मनाया जाते हैं। महाशिवरात्रि पूजा को जो भक्त करेगा, सुबह उठ के नित्य कर्म से प्रवृत्त होने के बाद मंदिर जाना पड़ता है। मंदिर में शिव जी का आराधना करने के बाद पूजा करना पड़ता है। मंदिर जाके शिवलिंग में चंदन पुष्प दूध पंचामृत स्नान कराने के बाद शिवलिंग को नाना विधि के पुष्प और पुष्पों में सजाया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना पड़ता है। भगवान शिव जी का फोटो में त्रिशाखा बेल का पत्ता और कोई भी पुष्प रख के मार्जना करना पड़ते हैं। इसमें दूध दही शक्कर घी इस पंचामृत में भी स्नान कराना पड़ता है। उस स्नान करने के बाद फिर धूप दीप नैवेद्य देके भगवान शिव जी को आराधना करना पड़ता है। उसके बाद आरती करना पड़ता है। शिवरात्रि के दिन चार प्रहर मनाए जाते हैं। ये जो पूजा बोला ये प्रथम प्रहर होती है। उसके बाद संध्या समय शिव जी के ऊपर दुग्धाभिषेक दूध में भी अभिषेक करना पड़ता है। उसके बाद दही में भी अभिषेक करना पड़ता है। तृतीय प्रहर में शिवलिंग को शहद में अभिषेक करना पड़ता है और चौथा प्रहर में शिवलिंग को सब प्रकार पूजा खत्म करने के बाद महादीप को पूजा करना पड़ता है। इसी तरह महाशिवरात्रि का पूरा दिन मनाना पड़ता है। इस दिन जो कोई भी भक्त श्रद्धा के अनुसार इस शिवरात्रि को पालन करेगा, उपवास रखे रहने के बाद अखंड दिया को जाल के रात्रि में उजागर रह के व्रत से ही श्रद्धा के साथ करेगा, उसको शंकर भगवान की निश्चित रूप से कृपा प्राप्ति होगा। ये था महाशिवरात्रि का मनाने का तरीका और फल। नमस्कार।